और कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी वहाँ गिरिराज जी के तट से होते हुए पधारे और ठाकुर जी के चरणारविंद में कुमकुम केसर कस्तूरी लगा हुआ है, वो वहाँ की घास पे लगा। तो कहते हैं ये ठाकुर जी के चरण में कुमकुम केसर कस्तूरी कैसे आया? जब ठाकुर जी कुंज में पधारे और राधा जी ने कही कि प्रभु आपके चरणारविंद मेरे हृदय पे, मेरे मस्तक पे पधराओ, और जब ठाकुर जी ने राधा जी के मस्तक पे चरणारविंद पधराए तो राधा जी के मस्तक पे धारण किया हुआ कुमकुम केसर कस्तूरी ठाकुर जी के चरण में लगा, और वही चरण जब आपने श्री गिरिराज जी की तरेटी की घास पे पधराए, वो कुमकुम केसर वहाँ की घास में लगा। और जैसे ही वो पुलिंदनी स्त्रियाँ आई, देखा ठाकुर जी के चरण का ये कुमकुम केसर और राधा जी के मस्तक का यहाँ लगा हुआ है, वो कुमकुम ले लेके अपने मुख में पधराने लगी, अपने मस्तक पे लगाने लगी, और ठाकुर जी के चरण का और राधा जी के मस्तक और हृदय का कुमकुम केसर कस्तूरी जब उन्होंने धारण किया, तब प्रभु ने कृपा करके उनको उनके समान सौभाग्य का दान दिया। और जब ठाकुर जी समय आ गया जाने का, वापिस पधार रहे हैं, और जैसे ही वापिस पधार रहे हैं और जो सखियां अभी तक प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रभु अब पधारेंगे, प्रभु अब पधारेंगे, और जैसे ही गैया को चराते चराते प्रभु पधार रहे हैं और गोपियां दर्शन कर करके अपने नैनों को तृप्त कर रही है, वो समय है भोग का। अलौकिक रस के भोगता ठाकुर जी हैं, तो वो समय भोग का है। और जब ठाकुर जी गैया चराते चराते अपने नंदाले पे आए, मैया को लगा पता नहीं बाहर कौन कौन की दृष्टि पड़ी होगी, और इसलिए द्वार पे आके प्रभु की आरती उतारी, वो है संध्या आरती, प्रभु की आरती उतारी। और जैसे प्रभु भीतर पधारे, इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में आरती लेते नहीं है, बोले क्यों, मर्यादा मार्ग के अंदर जब आरती होती है तो देव की अर्चना के रूप में होती है, और देव की अर्चना के रूप में आरती हो वो ले सकते हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में जो आरती होती है वो दृष्टि दोष निवारण के लिए होती है। कि ठाकुर जी जब बाहर पधारे तो पता नहीं किस किस की दृष्टि पड़ी होगी, कैसी कैसी दृष्टि पड़ी होगी, तो दृष्टि का निवारण मैं कैसे करूं, ये विचार करके मैया ने प्रभु की आरती उतारी और प्रभु को भीतर पधराए। और जब प्रभु भीतर पधारे, ठाकुर जी को शयन भोग धरा, और जहाँ शयन भोग धरा और ठाकुर जी प्रशंसा करे, मैया तो बहुत सुंदर है, मैया तो बहुत सुंदर है, लेकिन गोपाल दास जी वल्भाख्यान में कहते हैं ना कि ठाकुर जी प्रभु आप जो मैया को कह रहे हो ना कि ये सामग्री आपको बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर लगी, पर हम जानते हैं कि आप किस रस के भोगता हो। गोपाल दास जी ने वल्भाख्यान में कहा, राधा अधर सुधावे ना पीउने बीजूते काए नव भावे जी, राधा अधर सुधावे ना पीउने बीजूते काए नव भावे जी। वल्भाख्यान में गोपाल दास जी कहते हैं कि राधा अधर सुधा बिना पीउने बीजू ते काई नव भावेरी, पर माता के मन को आनंद देने के लिए माँ की प्रशंसा कर करके आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शैया मंदिर के अंदर राधा जी पधारे, राधा जी ने देखा कि मैं तो आ गई हूँ पर प्रभु तो भोजन अरोगने में व्यस्त हैं, मेरी और दृष्टि भी नहीं कर रहे। और वहीं ठाकुर जी को बुलाने के लिए राधा जी ने शैया मंदिर से ही अपने चरण के जो घुंघरू हैं वो तीन बार छम छम करे, और जैसे ही तीन बार छम छम करे उठ्या नुपुर ने ना दे जी, और वहीं प्रभु को लगा अरे राधा जी पधार गई हैं, और एक हाथ में बीड़ा लेके और एक हाथ में आचमन की झाड़ी लेके और सीधे भागे शैया जी में, और वहीं राधा जी ने आपको आचमन कराया और बीड़ा अरोगाया और फिर ठाकुर जी पहुड़े सुंदर शैया के ऊपर। इसलिए भगवान जी कहते हैं रुचि रुचि से जय बनाई सखिया, रुचि रुचि से जबना, रुचि रुचि से बनाई सखिया, रुचि रुचि से जबना, रंग महल पर है परदा।
रुचि रुचि से रुचि रुचि से के अंदर एक संग बाल भाव, किशोर भाव, एक संग विद्यमान है और उसी भाव का दर्शन गोपियां अपनी पंक्ति में करा रही हैं। आगे के श्लोक में तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह का वर्णन किया और दूसरे ही श्लोक के अंदर जो युग्म का एक अंग है उसमें गोपियां कह रही हैं कि देखो तो सही। आगे का जो श्लोक कहा ना वो जोर से गाया गोपियों ने ताकि यशोदा मैया सुने कि हे मैया देखो तो सही, आपका लाला कैसा कृपालु है। जब पृथ्वी को चोट लगती है वो पीड़ा भी आपके लाला से सहन नहीं होती और अपने कुल्ले चरणारविंद वहां पधरा के अपने चरण कमल से पृथ्वी को शीतलता देता है। और जैसे ही मैया कुछ काम के लिए भीतर जाके आई वहां तक ये श्लोक गोपियों ने गा दिया दूसरा। और क्या कहा? वयं सविरास व्रजति तेन वयं सविरास वीक्षणार्पित मनो श्लोक में जो कहा यशोदा मैया को कहा और मैया को लगा देखो तो सही मेरा लाला कैसा कृपालु है, पृथ्वी को चोट लगे वो भी सहन न हो और अपने चरण पधरा के पृथ्वी को शीतलता देवे। फिर कह सखियों ठहरो मैं अभी कुछ लेके आई और जैसे ही मैया भीतर गई और सखियां कहते हैं प्रभु अपने चरण पधरा के पृथ्वी को शीतलता तो दे पर यहां उस चरण में दृष्टि टिकती किसकी है। हमारी दृष्टि तो प्रभु कुछ वस्तु याद कर रही। गोपियों ने कहा क्या? हे प्रभु जब वही प्रभु अधरों पर रख के जो बंसी बजावें वो बंसी हमको याद आ रही है और जब ब्रज के अंदर ऐसी विलासपूर्ण गति से चलें हमको तो वो गति प्रभु की याद आ रही है और प्रेम भरी चितवन से जब प्रभु हमारे और देखें हमको तो वो चितवन याद आ रही है कि जिस चितवन को देख के हमारे हृदय में प्रभु को मिलने की तीव्रता बढ़ जावे ऐसी चितवन हमको याद आ रही है। क्योंकि गोपियों को एक मौका मिला कि मैया अंदर गई। अभी तक गोपियां भर रही थी कि हृदय का ताप निकाले कहां, हृदय में जो पीड़ा है वो प्रकट कैसे गोपियों के आगे करें। और जैसे ही मैया भीतर गई और गोपियां कहने लगी अरे सखी क्या बतावें, वो चाहे चरण पधरा के पृथ्वी को शीतलता देते होंगे पर पृथ्वी को शीतलता देते हैं ये देख के हमको और ताप होता है। देखो तो सही प्रभु सबकी सुनते हैं, सबके ओर कृपा करते हैं लेकिन हम तो ऐसी गोपियां हैं जो प्रभु को देख देख के जीती हैं, प्रभु के लिए जीती हैं और प्रभु को हरेक की पीड़ा सुनाई देती है। इसमें व्यंग्यार्थ क्या है? प्रभु को हरेक की पीड़ा दिखाई देती है। पृथ्वी को जरा सी पीड़ा हो वो भी प्रभु सहन नहीं कर सकते पर हम भी तो प्रभु के अंग रूप हैं और हम तड़प तड़प के यहां पर रो रही हैं वो प्रभु से सहन हो जाता है। सखी ने कही सखी प्रभु अपन को छोड़ के ऐसे ही नहीं जाते, उसका भी एक कारण है। बोले क्या क्या बताऊं? पता है एक दिन तूने प्रभु से क्या कहा था? और सखी को याद आया एक दिन सखी ने प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु जब आप मेरे घर पधारते हो तो आपके चरणों में घुंघरू होते हैं और वो घुंघरू चरण में धारण करके जब छम छम करते हुए घर पधारते हो तो उस घुंघरू की आवाज से प्रभु सारे घर के लोग जाग जाते हैं। तो प्रभु आपको एक विनती करती हूं
कि प्रभु अब जब मेरे घर पधारो तो अपने चरणों के घुंघरू आप अपने से दूर करके पधारना। और जहां ये विनती सखी ने करी और दूसरी सखी ने आके सखी के मुख पे हाथ धर दिया कि सखी तू ये क्या बोल रही है, ये सखी तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या प्रभु से कह दिया। सखी ने कहा मैंने ऐसा क्या कह दिया। बोले अभी अभी तूने प्रभु से कहा कि प्रभु जब आप मेरे घर पधारो तो अपने चरण में धारण करे हुए घुंघरू को अपने से दूर करके बड़े करके पधारना। अरे सखी वो घुंघरू तो वो है जिनको ठाकुर जी ने अपने चरणों में स्थान दिया था, और यदि तू प्रभु को ऐसे कह देगी कि चरण में आए हुए चरण में रखे हुए जीवों को दूर करो, तो आज घुंघरू को दूर किया हम भी तो प्रभु के चरण में हैं। जो आज घुंघरू को दूर करके प्रभु ने चरण में आए हुए जीवों को दूर करना सीख लिया तो कल चरणों को करा और आज अपन को भी कर दिया। हम भी तो प्रभु के चरण में हैं, हम भी तो शरणागत हैं। तूने प्रभु को सिखाया कि चरण में धारण करे हुए घुंघरू को बढ़ाकर, और प्रभु ने चरणों में धारण करे घुंघरू को बड़ा किया ही नहीं पर ये आदत प्रभु की पड़ गई कि शरणागत आए जीवों को छोड़ के चले जाना, शरणागत आए जीवों को अकेले चले जाना, उनको तड़पाना। और इसलिए तो गोपियां अपन तड़प रही हैं, इसलिए तो व्याकुल है प्रभु की दृष्टि के लिए, प्रभु की वेणु के लिए, प्रभु के उस सुंदर चितवन के लिए जिसको स्मरण कर करके हमारे हृदय में दाह होता है। और देखो तो सही ये प्रभु भी कैसे हैं, अपन लाख मनावें लाख समझावें लेकिन कैसे ही करके हृदय में घुस ही जाते हैं। प्रभु कैसे उस भिक्षु की तरह हैं। बोले कैसे भिक्षु की तरह, बहुत बारिश आ रही थी और भिक्षु एक कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। घर वाले से कहा कि देखो बाहर बहुत बारिश है तो क्या मैं आपके घर के आंगन में बैठ सकता हूं। कुटिया वाले ने कहा कि बाहर बैठेगा उसमें मुझे क्या आपत्ति, बैठो। थोड़ी देर हुई द्वार खखड़ाया, अंदर से मालिक आया, बोले क्या है। बोले बाहर आपने बैठने की आज्ञा दी, इतने कृपालु आप हो, पर बाहर बारिश इतनी आ रही है मैं पूरा भीग चुका हूं, जो आज्ञा दो तो अंदर आके बैठ जाऊं, अंदर आ जाऊं, खड़ा रहूंगा कोने में। बोले मेरी कुटिया बहुत छोटी है जिसमें एक आदमी सो सकता है। बोले अंदर तो आने दो। उसको लगा कब से बाहर खड़ा था बेचारा, बोले अंदर खड़ा रहेगा, वो ठीक है अंदर आ जा। अब वो अंदर आ गया, कोने में खड़ा था। थोड़ी देर हुई, कहे कि एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, कब से खड़ा हूं, जरा आज्ञा दो तो बैठ लूं यहां पे। उन्होंने कहा आप जब अंदर आ ही गया है, खड़ा ही है तो बैठ भी जा। और जहां बैठने को आज्ञा दे दी, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर कहे अरे सेठ जी क्या बताऊं, आधी रात हो गई है, कब से बैठा हूं, बैठे बैठे कमर दुख गई है, जो आप कहो तो जरा लंबा हो जाऊं, जरा लेट लूं। मालिक ने कहा मेरी कुटिया इतनी छोटी सी है कि इसमें सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है, तुम कैसे सोगे। बोले आप बाहर जो जाने वाले हो इसलिए। सेठ जी ने कहा मैं कहां जाने वाला हूं। बोले मैं भिक्षुक कहता है मैं जहां आता हूं वहां दूसरे को रहने नहीं देता, आपको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और देखो उस भिक्षुक खुद अंदर सो गया और मकान मालिक को घर के बाहर निकाला। ये प्रभु भी कुछ ऐसे ही है, जब जब भी प्रभु की वेणु सुने, यानी भिक्षुक ने द्वार खटखटाया कि जरा मुझे अपने आंगन में जगह दोगे, और हमने गलती क्या करी, प्रभु की वेणु ना सुन ली यानी आंगन में आने दिया। विचार आया जो ऐसी सुंदर वेणु बजा रहे हैं जरा उनको देखने तो जाएं, और जहां देखने के लिए गए प्रभु के दर्शन करे, यानी वो भिक्षुक को अपनी कुटिया में अंदर आने दिया। और जहां कुटिया के अंदर भिक्षु आ गया, विचार आया प्रभु के दर्शन तो करे और प्रभु से मीठी मीठी बातें भी करें, और जहां प्रभु से मीठी मीठी बातें करने की गलती कर दी, यानी वो भिक्षुक को अपनी कुटिया में बैठने की अनुमति दे दी। और जैसे ही प्रभु से बातें करी, प्रभु हृदय में पधारे और प्रभु ने कही कि जब मैं किसी के अंदर जाऊं तो उसके मैं को, उसके हूं को तो कुटिया छोड़ के बाहर जाना ही पड़ता है, और जब प्रभु इस देह रूपी कुटिया के अंदर आ गए और अपने मैं को, अपने हूं को उस कुटिया से बाहर निकाला और स्वयं इसका राज संभाल के बैठ गए। गोपियों ने कही ऐसी दशा प्रभु ने अपनी करी है। जिस समय प्रभु भीतर पधारे, मैं गया बाहर, अपना हूं पना गया बाहर, और प्रभु सदा के लिए इसके मालिक बन के हमारे देह रूपी कुटिया का राज संभाल के बैठ गए हैं। और गलती भी अपन ने करी, बड़े सुखी थे। कई लोग कहते हैं क्या करें, सखियां कह रही हैं कि लोग कितना गलत गलत प्रचार करते हैं। बोले क्या, बोले शाम को प्रेम करो तो इंसान सुखी हो जावे। गोपियां कहने बिल्कुल गलत प्रचार है, हम भी यही सोच के फंस गई। हम भी यही सोच रही थी कि शाम को प्रेम करेंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे, बड़े आनंद में रहेंगे, बड़े प्रसन्न रहेंगे, वह तो आनंद स्वरूप है। लेकिन जब से शाम से प्रीत कर बैठे हैं, एक क्षण का आराम नहीं। जो भी कुछ हमारे पास था वो भी गवा बैठे हैं,
और कुछ मिलने की बात तो दूर, और कुछ मिलने की बात तो दूर, जो भी हमारे पास हमारा कहने को था वो भी गवा बैठे हैं। ये गलत प्रचार लोगों ने किया है कि शाम से प्रेम करो बड़े सुखी हो जाओगे, लेकिन शाम से प्रेम कर करके तो पल पल आंखों में से आंसू बहा रहे हैं, पल पल तड़प रहे हैं, पल पल तरस रहे हैं, पल पल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। यही दशा तो हमारी हुई है कि जब उस श्याम सुंदर के संग हमने प्रीत करी है, उस श्याम सुंदर के संग हमने प्रीत जोड़ी है। और वास्तव में गोपियां कहती हैं संसार के अंदर प्रभु की वेणु सुन के, प्रभु की उस मां की चितवन को देख के और प्रभु की उस विलासपूर्ण गजगति को देख के प्रभु हमारे हृदय में पधारे, हमने प्रभु से प्रीत करी। पर दुनिया के अंदर प्रीत करके कौन सुखी हुआ है जो हम सुखी हों? इस दुनिया में जिस जिसने भी प्रीत करी है उसको रोना ही पड़ा है, उसको तड़पना ही पड़ा है, तो हम भी कहां से सुखी हो सकते? देखो तो सही, उस पतंगे ने प्रीत करी दीपक से, उसकी ज्योत से इतना प्रभावित था, इतना चमकीला प्रण देख के उसे बड़ा आनंद आता था, विचार आया कि जिस दीपक से मैं इतना प्रेम करता हूं जरा उसके पास जाके तो अपने प्रेम का इजहार करूं। और जैसे ही पतंगा दीपक के पास आया और उसी दीपक ने उसको जला के राख कर दिया। कौन प्रीत करके सुखी हुआ है, कौन प्रीत करके आनंद हुआ है? मृग ने प्रीत करी उस बंसी बजाने वाले से और शिकारी ने बंसी बजाई, मृग को लगा मुझे सुखी करने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए बंसी बजा रहा है। और जो मृग दौड़ता दौड़ता शिकारी के पास गया कि शायद मुझसे प्रेम करता है तभी तो मुझे आनंद दे रहा है, और ये प्रेम की कामना लेके जब शिकारी के पास गया और शिकारी ने उसी को तीर मारा। इस जगत के अंदर जिस जिसने प्रीत करी है कष्ट के अलावा किसी को कुछ मिला ही नहीं। इसलिए तो सखियां कह रही हैं कि हमने भी श्याम सुंदर से प्रीत करी, हम भी प्रभु से प्रीत करके बैठे, लेकिन हमको भी पीड़ा के अलावा और कुछ मिला ही नहीं है। पल पल तड़प रहे हैं, पल पल व्याकुल हैं, और प्रभु की वो चितवन याद आ रही है। और तीन प्रकार की दृष्टियां गोपी याद करते हैं, हे प्रभु आपकी चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम जगाया। और वो चितवन आपकी हमारी ओर देखने की दृष्टि भी तीन प्रकार की, एक वो जब आपने दृष्टि से हमारी ओर देखा और देख के हमको ये जताया कि हम आपके हैं और आप हमारे हो, वो दृष्टि भी हमको याद आती है। दूसरी दृष्टि भी हमको याद आती है कि जब हम आपके पास थे और आपने किसी और सखी के ऊपर दृष्टि करी थी, वो दृष्टि भी हमको पीड़ित करती है। और हे प्रभु जब आपने हमारी ओर दृष्टि करी, दृष्टि से आपने हमको कहा कि मैं आपको प्रेम करता हूं, लेकिन आपके हृदय में तो कपट था, प्रभु ये सोच सोच के भी हमको पीड़ा होती है कि हमको आपके नेत्रों का प्रेम तो दिखा पर हृदय का कपट नहीं दिखा, इसलिए तो हम दुखी हो रही हैं। और हे प्रभु वही आपकी बंसुरी, वही आपकी विलासपूर्ण चितवन, वही प्रभु हमारे हृदय में आपको मिलने की उत्कंठा को बढ़ाते हैं। और प्रभु ऐसी दशा हमारी हो जाती है जैसे वृक्ष की तरह जड़ हो जाते हैं, न तो हमारे केश पाश का ध्यान रहता है, ना कबरम वसनम्बा, न तो वस्त्र का भान हमको रहता है, नहीं केश बंद का भान रहता है। ऐसी अवस्था हमारी हो जाती है कि सारे देह धर्म छूट जाते हैं, देह अध्यास छूट जाते हैं, और प्रभु हम आप ही के स्वरूप में मिल जाते हैं, आप ही के स्वरूप में समा जाते हैं। ये बात गोपियों ने इस युग्म के अंदर करी। और ये युग्म कौन से महीने का है? कार्तिक महीना। कल अपन ने देखा ना आसों के अंदर क्या रास का सुख प्रभु ने दिया, उसके बाद आई धनतेरस। धनतेरस आई, धनतेरस के दिन भी अपने वहां पद गाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं अपना सच्चा धन तो प्रभु है, जो अपना सच्चा धन प्रभु है तो फिर धनतेरस के महिमा, धनतेरस का पद क्यों गाया जाता है? तो अपने वहां धनतेरस यानी क्या? धनतेरस यानी धन का महिमा नहीं, पर धनतेरस के दिन गोपियों को शरद की रात्रि याद आई और उस रात्रि को याद करके गोपियों ने कहा कि प्रभु जो रस आपने शरद की रात्रि में अनुभव कराया हमको था, तो वो धन्य ते रस, धन्य ते रस। कौन सा रस? कि जिसका अनुभव आपने शरद रात्रि को हमके कराया था। तो धनतेरस अपने वहां धनतेरस नहीं है, पर क्या है? धन्य ते रस। और वास्तव में धनतेरस गई, उसके बाद रूप चतुर्दशी आई, ठाकुर ये सुंदर सिद्ध हुए, और उसी समय प्रभु को ये पता चला कि पूरे ब्रज के अंदर खूब सजावट हो रही है, धजा पताए लगाई जा रही हैं,
खूब सुंदर सुंदर सज्जा हो रही है। प्रभु ने मैया से पूछा, अरे मैया ये काहे की तैयारी हो रही है? मैया ने कहा, लाला मेरे पास समय नहीं है, जाके बाबा से पूछ। भगवान आए नंद बाबा के पास, कहने लगे, बाबा ये सब तैयारियां काहे की हो रही हैं? प्रभु ने कही, इंद्र याग की तैयारी। प्रभु ने कही कि जहां मैं हूं वहां इंद्र का क्या काम? बोले, इंद्र याग क्यों करना? बाबा ने कहा, देखो अपन ग्वाले हैं, गोपाल हैं, और जब इंद्र याग करें, इंद्र को आहुति दें, तो वही धुआं इंद्र को मिलता है, आहुति इंद्र को मिलती है, और इंद्र प्रसन्न होकर वृष्टि करते हैं, और जब इंद्र वृष्टि करें तो घास उगे, वो घास अपनी गाय खावे तो दूध देवे, और दूध मिले तो अपना निर्वाह चले। भगवान ने कहा, बाबा मैं तो ये जानता हूं कि इंसान जैसा कर्म करे उसको ऐसा फल मिले, तो ये बीच में इंद्र आया कहां से? और हे बाबा, यदि स्वाहा स्वाहा करके सब वस्तु अग्नि में होम दे, उससे भी अच्छा आपको एक यज्ञ बताऊं कि चाहे इंद्र को अपन आहुति देते हैं और गैया अपनी घास चरने जाती है, पर जाती है तो गोवर्धन के ऊपर ना। और देखो बाबा, ये गोवर्धन ये तो अपने ब्रज के प्रगट देव हैं, ये गिरिराज बाबा ये तो प्रगट देव हैं। और हे बाबा, मैं आपको इतना ही कहूं कि अपन इंद्र को याग करें कि अग्नि में होमे, इसे अच्छा है ऐसा यज्ञ बताऊं जो गोवर्धन याग, कि जिसमें ठाकुर जी को धर के कणिका कणिका सारे भजवासियों को मिलेगी। बाबा ने कहा, ऐसा कौन सा याग है? बोले, गोवर्धन याग। बोले, वो क्या होता है? बोले, सब मिलके अपन गिरिराज बाबा को सामग्री अरोगाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रज के प्रगट देव तो श्री गिरिराज बाबा हैं, और गिरिराज बाबा प्रसन्न होंगे तो जीव की कृपा होगी, जीवों के ऊपर अनुग्रह होगा। और सारे ब्रज के अंदर नए विचार की लहर दौड़ गई कि साल तो हम इंद्र याग नहीं करेंगे, पर गोवर्धन याग करेंगे, श्री गिरिराज जी का यज्ञ करेंगे। और जब अमावस्या आई, प्रभु हटड़ी में विराजे, और हटड़ी यानी हाट, दुकान, दुकान में विराजे कि जिसको मेरे पास से गोवर्धन याग के लिए जो भी सामग्री चाहिए ले लो। प्रभु की दुकान में ज्ञान भी मिले, भक्ति भी मिले, वैराग्य भी मिले, जैसे जैसे ग्राहक आवे लेके जावे। प्रभु ने कहा कि कल भोग सराने के बाद गायों को भी प्रसाद लेवाना पड़ेगा, तो आज गायों को आमंत्रण दे दो। तो जब प्रभु हटड़ी में विराजे, गाय को लाया गया, गाय को कान में आमंत्रण दिया गया, जिसको कहते हैं कान जगाई, तोरणे में लगाए गए हैं, तैयार हो के हजारों हजारों लीटर धौरी का दूध आया, मानसी गंगा का जल आया, और कलश में भर भर के सब गिरिराज जी का पूजन करने लगे। छोटे छोटे बच्चे आगे दौड़े, तो प्रभु ने कहा, छोटे छोटे बच्चे पीछे आओ और बड़ों को आगे जाने दो। बोले, क्यों? बोले, छोटे बच्चा है उसमें उत्साह है, और जो बड़े हैं उनमें अनुभव है, और जब उत्साह अनुभव के पीछे चले तभी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसलिए छोटे को पीछे किया और बड़े ने को आगे ले गिरधर श्री गोवर्धन पूजन आए। स्नान कराया, पुनः जल से स्नान कराया, अंग वस्त्र किए, धोती उपन्ना धराए, तिलक किया, भोग धरा, आरती करी, और ठाकुर जी ने कही, अब देखो गिरिराज बाबा के निमित्त की सामग्री जिस जिसने भी तैयार करी हो, सिद्ध करी हो, सब लोग गिरिराज बाबा के सन्मुख कर दो। और कहते हैं पूरे ब्रज में से इतनी सखड़ी आई, इतनी सखड़ी आई कि पूरे सखड़ी से ही श्री गिरिराज बाबा पूरे ढक गए। ठाकुर जी ने कहीं कहीं शिखर के दर्शन नहीं हो रहे, ठाकुर जी ने 5 स्थान पर शिखर सिद्ध करे, केसर का छिटकाव किया, तुलसी की माला फिरते बधराई, और कहा, देखो श्री गिरिराज बाबा को विनती करें कि हमारी कहानी से आप अन्नकूट अरोगो। और जैसे गिरिराज बाबा को विनती करी और सहस्त्र भुजा धारण करके गिरिराज बाबा प्रकटे, बोलिए श्री गिरिराज धारण की। सहस्त्र भुजा धारण करके श्री गिरिराज बाबा प्रकटे, ठाकुर जी ने कही, देखो मेरे गिरिराज बाबा को सबके सामने शायद अरोगते संकोच हो, तो जहाँ तक अन्नकूट अरोगे वहाँ तक तेरा ले लेवें, और जहाँ तक ठाकुर जी गिरिराज बाबा अन्नकूट अरोगे वहाँ तक श्री गिरिराज बाबा की परिक्रमा करके आवें। सभी सखा प्रसन्न हो गए, चलो आज तो गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने चलेंगे। प्रभु ने कही, ऐसे अकेले नहीं जाएंगे। तो सखाओं ने कही, तो कैसे? बोले, मेरे प्यारे प्यारे वैष्णव, कलकत्ता में यदि बिरला भवन के अंदर
युगल गीत की कथा सुन रहे हैं। जब तक वो या नहीं आएंगे मैं परिक्रमा करने कैसे जाऊं? सखाओं ने कही, अरे वो तो कलकत्ता बैठे हैं, अपन तो यहाँ जतिपुरा में हैं, तो वो कैसे आएंगे? तो देखो ठाकुर जी ने आप सबको वहां ले जाने के लिए एक सुंदर पुष्पक विमान भेजा, वो खड़ा दिखा, दिखे तो कहना, सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ, फूलों से सजाया हुआ सुंदर पुष्पक विमान है, और एक एक करके सारे बैठ जाइए उसमें। बैठ गए, धक्के वक्के मारे बिना कतार बना के बैठ गए। अब एक राज की बात आपको बता दूं, चाहे इस विमान का आप फ्यूल कहें, इस विमान का आप कुछ भी एक्सीडेंट कहें, वो क्या है? हरि नाम कीर्तन। जब तक कीर्तन चलता रहेगा ये विमान आकाश में उड़ता रहेगा, और जहां कीर्तन रुका यमने मैया की, हाँ आओ सब मिलके अपन प्रतिपुरा चलें। गिर राज धरन तिहारे शरण, आओ से खेत दिख रहे हैं, और सभी वैष्णव प्रेम से गा रहे हैं। श्री तिहारे शरण, श्री जी तिहारे शरण, श्री जी तिहारे शरण, श्री जी तिहारे शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तिहारे शरण, गिरिराज शरण। हमारा विमान बराबर गिराजी में, गिराजी के मुखारविंद के सामने उतरा है। सभी ने गिराजी के सन्मुख जाके दंडवत प्रणाम करे, दर्शन करे, परिक्रमा करने की आज्ञा ली, और जोर से गिराज बाबा का जय जयकार किया। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। गिराज बाबा का जय जयकार किया। बराबर मुखारविंद के सामने श्री महाप्रभु जी के बैठक जी, सभी ने बैठक जी में दंडवत करे, झारी चन्नपश करे, झारी जी भरे, और श्री वल्लभ से विनती करी कि हे वल्लभ, हम सब वैष्णव कलकत्ता से प्रभु के संग यात्रा करने निकले हैं, और सभी की ऐसी इच्छा है कि आप भी हमारे संग यात्रा में जुड़ो तो सब वैष्णव को और आनंद आवे। और सभी वैष्णव का भाव देख के श्री महाप्रभु जी, हरसानी जी भी अपने संग यात्रा में जुड़े, सभी का उत्साह बढ़ गया, भाव बढ़ गया, और सब लोग प्रेम से गाने लगे। ओ वल्लभ तिहारे शरण, विठ्ठल तिहारे शरण, वल्लभ तिहारे शरण, विठ्ठल तिहारे शरण, ओ गिरिराज धरण, श्री जी तिहारे शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तिहारे शरण। अपनी यात्रा दंडवत शिला पे आई है, यात्रा में जाते समय और आते समय यहाँ दंडवत करते, सभी दंडवत करिए। दंडवती शिला से निकली अपनी यात्रा, आगे गोवर्धन गांव की तरफ जा रही है, और सभी भाव से और प्रेम से गा रहे हैं। श्री जी तिहारे शरण, भाव से तालियां बजाते बजाते, जो जो परिक्रमा में संग चल रहे हैं सब तालियां बजाएंगे। गोवर्धन गांव जहां मानसी गंगा है, मानसी गंगा में सभी